तो ये क्रॉस मॉल है, क्रॉस मॉल है ये। हेलो नमस्ते, प्रणाम, सचिन आप लोग, और मैं भी ठीक हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आज जा रहे हैं मैं और दीदी सामान लेने, क्योंकि महीने का सामान कुछ कुछ खत्म हो गया है। तो आज हम मार्केट जा रहे हैं सामान लेने, देखते हैं कहाँ जाते हैं, बिग बाजार जाते हैं या मार्केट में देखते हैं, या हनुमान मंदिर, हनुमान चौक जाते हैं। अब देखते हैं घर का सामान लेना तो कहाँ हमें सही पड़ेगा, वहाँ जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे हम कि हम कहाँ जा रहे हैं। चलो फिर चलते हैं और आपको भी घुमा के ले आते हैं। मैं पहुँच चुकी हूँ दीदी के घर और देखती हूँ दीदी क्या कर रही है, क्योंकि मैंने दीदी को बोला कि दीदी तैयार हो गए, तो दीदी ने कहा कि हाँ हो रही हूँ। चलो फिर देखते हैं दीदी क्या कर रही है। दीदी क्या करना, तो देखो दीदी यहाँ पे तैयार हो रहे हैं अभी, तो ड्रेसिंग में ज्यादा लग गया है क्रीम, तो उसको मिटा रहे हैं। हाय हेलो, हाय, अभी जरा बिजी। तो दीदी अभी बिजी हैं, अभी अलमारी में कुचिया रखे हैं। अभी अलमारी में कुचिया रखे हैं, हमारी गढ़वाली लोग तो समझ गए होंगे कुचिया रखे किसको बोलते हैं, मतलब अभी घुस रखे हैं, कुचिया रखे को बोलते हैं घुस रखे हैं। तो कल की वीडियो में देखा होगा आपने, दीदी ने ऐसा ऐसा डांस किया। तो कल की वीडियो में दीदी ने ऐसा वाला डांस किया, तो दीदी ने बोला इसको मत ढालना, क्या अगर उसको ढालेगी, तो मैंने ढाल दिया है, अब अपलोड भी हो गई, आप लोगों ने भी देख ली होगी। अगली बार करूंगी। तो दीदी ने अभी देखा नहीं, क्योंकि दीदी को अभी टाइम नहीं मिला, दीदी कह रही अगली बार देखना की, तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। तो चलता रहता है हम दोनों की। तो ये देखो हो गई है दीदी झटपट तैयार, तो चलो फिर निकलते हैं अब यहाँ से हम। और ये है दीदी का घर, कभी दीदी का घर का घर की वीडियो बनाएंगे अच्छी सी, बहुत सुंदर है दीदी का घर। दीदी पानी भी रखा यार है। जो ठीक रखी की दूसरी बोतल रखू, अभी चलना लेट हो, चला यार क्या करना। तो दीदी यहाँ पे पानी भर रहे हैं, क्योंकि आज बहुत कड़क की धूप लगी है, क्या पता हमें ज्यादा पानी प्यास लग सकती, तो दीदी ने यहाँ पे पानी भर दिया, लाइट बंद करो, तो लाइट भी कर दिया बंद। अब हम निकलते हैं यहाँ से, कभी बार बोल में यहाँ से निकलते हैं, जबर निकल बहुत लटपट लटपट कर दिया दीदी। ठीक, 5 मिनट में हो गई तैयार सर जी। तो यहाँ पर देखो ना हमारी बूजो की एक्टिंग देखो है, वो मैं ऐसे घुमा रहा मुंडी जैसे मैं घुमा रही, देखो बुजो ले बुजो, ये देखो बुजी बुजी, देख देख घुमा फिर घुमा बुजी, देख अच्छा बुजो नाराज हो गया, मेरी बुजी नाराज हो गया, बुजी बुजी नाराज हो गया, मैं जानी यहाँ पीछे क्या कर रहा तू, क्या कर रहे हैं आप। तो ना मैं और दीदी, और अभी आ रहा है हमारे साथ दीदी का बेटा है, अभी अभी आएगा हमारे साथ। तो आज देखो कितनी अच्छी धूप लगी है, तो देख सकते हो आप यार इसकी धूप लगी है आज, धूप तो ना यार। तो ये पहुंच चुके हैं हम देहरादून सर्वे चौक, तो ये है सर्वे चौक का नज़ारा यहाँ पे, ये देखो देख सकते हो है यहाँ पर, ये है सर्वे चौक। भूल गई क्योंकि सामान लेते लेते इतना टाइम ही नहीं मिला मुझे कि जो मैं वीडियो बनाऊं, और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, घर जाऊंगी फिर दिखाऊंगी क्या क्या लाई मैं। तो ये सामान लेके आ रहे हैं हम घर, और ये है राजपुर रोड, देहरादून राजपुर रोड से निकल रहे हैं हम अंदर को, तो यहीं से निकलते हैं हम आगे। तो पहुँच चुके हम घर, ये लगा दिया अगले गाड़ी, अभी पहुँच चुके हम घर, तो यहाँ पे हम सामान निकालेंगे गाड़ी से। और डिग्गी खोल अब, अभी डिग्गी खोल दे, बहुत गर्मी हो रही है आज तो, इतनी भयंकर वाली धूप लगी, इतनी जोर से बारिश भी आएगी, जितनी जोर से आज धूप लगी है ना ऐसी भयंकर वाली आज बारिश भी आएगी। तो ये रहा हमारा, तो ये रहा हम दोनों का सामान है ना ये दीदी, इसमें दोनों का है ये, इस कट्टे में भी रखा हमने।
तो कट्टा लेने आदि आया, आदि हमारा हेल्प कर रहा है यहाँ पे। तो हम सुबह निकले थे बाजार सामान लेने के लिए, सुबह निकल गए थे और अभी आ रहे हैं। टाइम हो रहा है 12 बजने वाली है, 12 बज ही गई है, 12:10-12 हो गए हैं और मेरा बेटा आता है 12:30 बजे, 1 बजे तक पहुँच जाता है, कभी 12:30 बजे, कभी 1 बजे तक पहुँचता है। और जैसे ही वो घर आता है ना, उसको ना एकदम खाना चाहिए एकदम, इसलिए मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, सीधा मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसको सीधा आते ही खाना चाहिए, अगर खाना नहीं मिलेगा तो बहुत रोता है। तो इसके लिए मैंने फटाफट खाना बनाती हूँ और फिर उनके कपड़े चेंज, मैंने मुँह हाथ धोए और मैं सीधा खाना बनाने लग गई हूँ। उसके आने से पहले मुझे खाना बनाना है, नहीं तो भयंकर रोएगा कि मम्मी मुझे भूख लग गई है। लगता ही है क्रिकेट, क्योंकि आज संडे है और वो सुबह चले गया था क्रिकेट खेलने, सुबह जाता वो 8 बजे जाता, 1 बजे तक पहुँच जाता है, कभी तो मैच रहता तब होती उसको लेट, नहीं तो वो 1 बजे तक पहुंच जाता है। सुबह बना के चलेगी थी, मैंने दाल भी बॉईल कर रखी थी, मैंने झाड़ू पोछा किया, वैसे नाई धोई में झाड़ू पोछा किया मैंने फटाफट, वैसे एक चूल्हे में मैंने वो भी कर दिया था, दाल भी बॉईल करके रख दिया था, कि मुझे पता था कि लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने दाल भी बॉईल करके रख दिया था। और यहाँ पे रखे मैंने दाल, फ्राई कर रही मैं दाल यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लहसुन, इसमें मैंने हरी मिर्च कूट के डाल लिया है, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ टमाटर कट कर रही हूँ, तो वैसे वैसे मैं प्याज भी देख रही हूँ कहीं जल ना जाए, और इसमें डाल रही हूँ मैं जीरा डाल रही हूँ मैं, और प्याज कट के भी मैंने प्याज भी डाल दिया इसमें, और यहाँ पे दाल भी पक के सुबह की तैयार हो गई है, तो थोड़ा मैं उसको मिस रही हूँ कि मतलब हुआ कि नहीं हुआ, तो दाल भी अच्छी तरह से पक रखी है। और यहाँ पे मैं चावल धोने के लिए रखा है मैंने यहाँ पे, तो बीच बीच में मैं इसको भी चेक कर रही हूँ, जो मसाला ग्रेवी बना रखी है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे चावल धो रही हूँ, तो यहाँ पर भी मैंने चावल छान छून के रखे थे सुबह ही, तो यहाँ पे मैं चावल धो के फिर ये मैंने कड़छी कटोरी में रख दी है, और इससे मैं ना अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है, अगर ये प्याज और टमाटर पक जाए ना, तो इससे अगर ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। तो ये भी मस्त करके बनके हो गया है बिल्कुल तैयार, तो इसमें डालूंगी मैं अब दाल, तो इसमें मैंने दाल भी डाल दिया। तो वैसे वैसे मैं कैमरे को भी घुमा रही हूँ, कभी इधर कभी नीचे कभी ऊपर देख रहे होंगे आप, तो ये मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो चावल में मैं थोड़ा क्या करती हूँ, तेल डालती या घी डालती और हल्का सा नमक डालती हूँ मैं, तो मुझे वो चावल बहुत अच्छा लगता है, मतलब अलग ही टेस्ट आता है उसमें, तो मुझे बार बार आगे बच्चा तो देखो उसके कपड़े कैसे कर रखे उसने, कपड़े का हालत तो मैं यही खिड़की से है, खिड़की से मेरे बाहर का रास्ता दिखता है, वो घूम के आएगा फिर अंदर, तो ये देखो आ गया ये, तो देखो इसके कपड़े की हालत, यहाँ पे आई कपड़े दिखा आपने, इधर आ यहाँ पे आ, तो देख सकते हो जैसे ही मैंने खाना बना के फिट कर दिया था वैसे ही मेरा बेटा भी आ गया था, तो अभी वो थोड़ी देर रेस्ट करेगा, पानी पिएगा, और उसके बाद थोड़ी देर बाद नहाएगा, वो 10 मिनट बाद नहाएगा, फिर जब तक वो नहाता है तब तक मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए हैं, और कपड़े चेंज करके मैं यहाँ पर बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बर्तन मेरे सुबह के भी थे, एक दो बर्तन मेरे सुबह के भी थे, और अभी तो अभी देखा होगा आपने कितने सारे बर्तन हो गए थे खाना बनाते बनाए, तो ये सारे बर्तन मैंने कहा थोड़ा इनको भी निपटा देती हूँ मैं, तो ये बर्तन धो रही हूँ मैं यहाँ पे, और वो बीच में आवाज़ भी दे रहा कि मुझे कि मम्मी कि टॉवल कहाँ है, मम्मी मैं नहा रहा हूँ, ये कुछ ना कुछ बोलता रहता है जब भी आएगा स्टेडियम से, तो उसको मैंने कपड़े भी दिए, बीच में कपड़े देने गई थी, तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो के फिट कर दिए हैं, और अब बनाऊँगी मैं यहाँ पे, देखूंगी रायता कैसा बन रखा है, और अब खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि बेटा भी आ गया है और वो बिल्कुल नहा धो के रेडी हो जाएगा, उसके बाद खाने की तैयारी करते हैं। तो देखो ये बन के तैयार हो गया मेरे बाद, चावल जो भी बोलते हैं आप लोग, और ये देखो ये दही बन के तैयार हो गई है, और मैं दही में क्या रायता भी बन के तैयार हो गया है, और यहाँ पर ये प्याज और खीरा काटे हैं, और ये मेरी दाल बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मेरा दाल चावल आज जो भी बनाते हैं दिन का खाना, तो मेरा सब कुछ बन गया है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।